Hello students, today we are going to solve some numericals which is the words problem related to arithmetic progression series. So, pehle first question dekhte hain. Question hai, a contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. 200 rupees for the first day, 250 rupees for the second day, 300 rupees for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being 50 rupees more than for the preceding day, then how much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days. जैसा कि बच्चों देख रहे हो, ये क्वेश्चन जो है एपी सीरीज पे ही आधारित है. क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे एक कंस्ट्रक्शन साइट है और जो कॉन्ट्रैक्टर है किसी काम को हाथ में लेता है, उसको 30 दिन में पूरा करना है, लेकिन वो पूरा नहीं कर पा रहा है. तो कंडीशन ये बना है कंपनी के द्वारा कि आपको पर डे जो है ना फाइन भरना पड़ेगा अगर जितना ही डिले होगा. तो उस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा 30 डेज तक डिले हुआ, अर्थात वो 30 दिन तक वो काम को डिले किया. तो कैसे पेनल्टी इसको देना है, यहाँ डिस्क्राइब किया है कि अगर एक दिन डिले हुआ उसे 200 रुपये फाइन भरना पड़ा, अगले दिन मतलब दूसरे दिन 200 ना दे करके 250 फाइन देना पड़ेगा, थर्ड डे 300. आप क्या देख रहे हैं, हर बार जो फाइन जो है ना 50-50 रुपया पर सक्सेसिंग डे, मैंने हर दिन बढ़ता जा रहा है. वही लास्ट में यहाँ लिखा है ना कि द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिंग डे बीइंग 50 रुपीज मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, मैंने हर दिन जो है ना 50-50 रुपया फाइन और ऐड होता जाएगा. तो इस तरह से कह रहे हैं हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी. तो ये बताना है कि अब बताइए कॉन्ट्रैक्टर जो है ना कितना पैसा वो पेनल्टी के रूप में पे करेगा यदि इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज. तो कह रहा है कि अगर काम में कुल देरी कितनी हुई 30 डेज. तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन तो समझ लिए हैं, तो लिखेंगे द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज इज इक्वल टू, वो होगा क्या 200 प्लस 250 प्लस 300 प्लस 350 एंड सो ऑन, और इसको हम जोड़ते जाएंगे कहाँ तक, अप टू 30 डेज तक. तो हम लिख सकते हैं द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज, क्वेश्चन को भी नोट करते हैं, डिलेड The work by 30 days. ये जो इक्वल टू होगा, या इक्वल टू हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इक्वल टू होगा क्या होगा, पहले तो 200 पे करेगा, फिर अगले दिन 250 होगा, फिर अगले दिन 300 होगा, 50-50 पे बढ़ता जाएगा, ये अप टू जो होगा अप टू 30 डेज, अप टू 30 डेज तक इसको पे करना है. पहले दिन वो 200 पे करेगा, नेक्स्ट डे 250 डे पे करेगा फाइन के रूप में, तीसरे दिन 300 रुपीज पे करेगा, ये अप टू 30 डेज. यहाँ पे यही इसका हम लोग को सम लेना है. यहाँ पे आप देखो बच्चों, फर्स्ट टर्म जो है 200 है, फर्स्ट टर्म 200 है रुपीज है ये, एंड द कॉमन डिफरेंस तो होगा 250 माइनस 200 इट गिव्स 50, और टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है, एन इक्वल टू है 30 है. जैसा कि आपने फार्मूला पढ़ा था, एस एन इक्वल टू होता है एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला आप जानते हो. अब हम क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे, ऊपर की दो तीन लाइन इरेज करते हैं, क्वेश्चन इरेज कर दे रहे हैं, अब क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है. सो एस एन इक्वल टू यानी एस 30 इक्वल टू, क्योंकि एन का मान 30 है, तो 30 अपॉन टू इंटू टू टाइम्स ए आपका 200 है प्लस एन माइनस वन, इट मीन 30 माइनस वन एंड कॉमन डिफरेंस आपका 50 है, ये आएगा 15, ये होगा 400, ये होगा 29 इंटू 50, और सिंपल करो 400 प्लस जीरो बढ़ा दो, 1450 बेटा 1450 होगा, तो 15 गुड़े 1450 में 400 जोड़ो 1850. अब जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे वही आपका सोल्यूशन होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. मल्टीप्लाई करने पे बच्चों आएगा
27,750। तो हम कह सकते हैं आंसर हमारा है अ डिले ऑफ 30 डेज कॉस्ट भी 27,750। यही हमारा क्या रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं व्हाट्स प्रॉब्लम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास जो 700 रुपीज है, इस 700 रुपीज को 7 स्टूडेंट के बीच में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस कुछ इस तरह से होगा कि अगर पहले स्टूडेंट को जितना भी हम पैसा देंगे, अगले स्टूडेंट को उतना 20 रुपीज़ कम मिलेगा, फिर अगले वाले को उससे और 20 रुपीज़ कम होगा। ऐसे करते करते हम सातवें जो स्टूडेंट को देंगे तो मतलब उसका भी पैसा कम होगा पहले की तुलना में, ठीक ना। प्रीसीडिंग जितना भी हम पैसा देंगे नेक्स्ट वाले से 20 रुपीज़ कम होगा। जैसे अगर किसी को हम इस समय 160 रुपये देंगे तो सेकंड स्टूडेंट को 140 देंगे, उसके अगले वाले को 120 देंगे, नेक्स्ट वाले को 100 देंगे। मतलब ये ओवरऑल हम आइडिया दे रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले हम मान लेते हैं कि द रेस्पेक्टिव प्राइजेस आर, मान लेते हैं पहले छात्र को हम ए रुपीज दिए, नेक्स्ट को ए माइनस 20 देंगे, उस तीसरे स्टूडेंट को ए माइनस 40 देंगे, फोर्थ स्टूडेंट को ए माइनस 60 रुपीज़ देंगे, फिफ्थ स्टूडेंट को ए माइनस 80 देंगे, एंड सिक्स स्टूडेंट को ए माइनस 100 रुपीज़ देंगे, एंड लास्ट एंड सेवन्थ स्टूडेंट को ए माइनस 120 देंगे। इस तरह से बच्चों हम मान लेंगे कि जो प्राइजेस दिया जा रहा है पैसे के रूप में, जो 700 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 7 छात्रों के बीच में, कुछ इस तरह से होगा। वैसे भी आप देख रहे हो एपी सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है 20 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 700 रुपीज़ हैं इन सातों छात्रों में कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अर्थात इन सबका जो सम होगा 700 होगा। जैसे कि बच्चों जानते हो एपी सीरीज का सवाल है, तो एपी सीरीज का यहाँ फार्मूला हम यूज़ करेंगे, नहीं तो हम जनरल तरीके से करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो एपी सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और द लास्ट टर्म ए माइनस 120 है। तो आपने पढ़ा था जब SN इज इक्वल टू पढ़ा था एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, जब लास्ट टर्म पता हो, जहाँ एन क्या नंबर ऑफ टर्म है। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 7 है ना, क्योंकि कुल 7 प्राइस की बात हो रही है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एन की वैल्यू 7 रख देंगे। फर्स्ट टर्म आपका ए है एंड द लास्ट टर्म ए माइनस 120 है। इस तरह से पुट करते हैं तो 700 इक्वल टू 7/2 इंटू ए प्लस ए माइनस 120। बेटा देखो 700 7 से डिवाइड होगा तो 100 आएगा, और दो के यहाँ ट्रांसफर कर दें तो 100 into 2 = 200 होगा। अब इस ब्रेकेट को खोलोगे तो आएगा ए प्लस ए माइनस 120, इट गिव्स 2a - 120। या माइनस 120 को ट्रांसफर करो तो 200 + 120 = 2a, इट गिव्स 320 = 2a। सो ए इक्वल टू होगा 320/2, यानी ए बराबर होगा 160, 160 रुपीज। इस तरह से हमारा जो सोल्यूशन होगा, पहले बच्चों को जो प्राइस दिया जाएगा वो 160 रुपया दिया जाएगा, फर्दर सेकेंड को 160 - 20, इट गिव्स 140 रुपीज, नेक्स्ट ऐसे 20-20 रुपये हम कम करते जाएंगे। इस तरह से हम जो हमारा सोल्यूशन होगा, देयरफोर द प्राइजेस द रेस्पेक्टिव प्राइजेस, अब हम आंसर लिख रहे हैं आर, बच्चों पहले बंदे को 160 मिलेगा पहले स्टूडेंट को, नेक्स्ट 160 - 20 आएगा, नेक्स्ट 160 - 40 आएगा, नेक्स्ट 160 - 60 आएगा, नेक्स्ट 160 - 80 आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, नेक्स्ट 160 - 100 आएगा, नेक्स्ट 160 - 120 आएगा। यहाँ तक हो गया, या दैट इज पहले को आएगा 160 रुपीज, नेक्स्ट 140 रुपीज लगाते रहिएगा, नेक्स्ट 120 रुपीज, 20-20 रुपया कम करते जाओ, 20-20 रुपीज, नेक्स्ट 100 रुपीज, 80 रुपीज, 60 रुपीज, और ये होगा नेक्स्ट 40 रुपीज। यही हमारा रिक्वायर्ड क्या सोल्यूशन है, ठीक है बच्चों। सो दिस वाज रिक्वायर्ड सोल्यूशन 160, 140, 120, 180, 60, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग, दैट इज अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री
अ सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड विल प्लांट टू ट्रीज एंड सो ऑन टिल क्लास 12। फिर कह रहा है देयर आर थ्री सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। स्टूडेंट जैसा कि आप क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी स्कूल में किसी क्लास के बच्चों के द्वारा प्लांटेशन हो रहा है एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, तो प्लांटेशन कैसे हो रहा है ये समझते हैं कि जैसे क्लास फर्स्ट क्लास से एक प्लांटेशन होगा या एक ट्री प्लांट करेगा। सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड विल प्लांट टू ट्री, उसी तरह ए सेक्शन ऑफ क्लास थ्री विल प्लांट थ्री ट्रीज, एक सेक्शन ऑफ क्लास फोर विल प्लांट फोर ट्रीज एंड सो ऑन। तो कह रहे हैं हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड, कुल कितने ट्री प्लांट होंगे 12th तक। क्लास 12th के बच्चे 12th ट्री प्लांट करेंगे तो हम कहेंगे कि देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट इक्वल टू। बच्चों जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि क्लास फर्स्ट के बच्चे एक ट्री प्लांट करेंगे, लेकिन ये भी कहा है कि हर क्लास के तीन सेक्शन है, अर्थात क्लास फर्स्ट का बच्चा अगर एक ट्री प्लांट करेगा लेकिन उसके होंगे सेक्शन थ्री, यानी हर सेक्शन से एक एक ट्री आएगा, इसलिए यहाँ 1:3 करेंगे। फिर प्लस क्लास सेकेंड दो ट्री प्लांट करेगा और क्लास सेकेंड के भी तीन सेक्शन है तो 2:3 टोटल ट्री प्लांट होगा क्लास सेकेंड से। ऐसे क्लास थर्ड में भी क्या है, क्लास थर्ड के सेक्शन से थ्री ट्री प्लांट होगा, और हम जानते हैं कि हर सेक्शन थ्री है ना, तीन तीन सेक्शन बने हर क्लास के, तो हर सेक्शन से तीन तीन प्लांट आएगा तो यहाँ 3:3। ऐसे ही क्लास ट्वेल्व से ट्वेल्व ट्री प्लांट होगा और उसकी कुल संख्या कितनी होगी, तीन, क्योंकि सेक्शन की कुल संख्या कितनी है, थ्री है। तो जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों ये भी एक ईपी सीरीज है जिसमें तीन सम में कॉमन है, आप तीन सम में कॉमन ले लीजिए पहले, आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा 1+2+3 up to 12। जैसा कि ये देख रहे हो ना, ये सम नेचुरल नंबर है, तो चाहो तो नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n+1/2, नहीं तो आप एपी सीरीज का फॉर्म लगा लो। जैसे 3:1 से लेकर 12 तक कुल कितने टर्म है बच्चों, तो 12 है, तो आप देखोगे n/2, यहाँ लिखेंगे 12/2 और फर्स्ट टर्म क्या है 1 है और लास्ट टर्म क्या है 12 है। हमने जो फार्मूला यूज किया बच्चों ये लगाया SCN = n/2 a+l। कैसे जाना n की वैल्यू 12 है, चूंकि ये काउंटिंग नंबर है 1 से लेकर 12, कुल संख्या 12 होगा, 12 होगा, फर्स्ट टर्म a है 1 है और लास्ट टर्म 12 है। तो यहाँ से देखो यही फार्मूला यूज किया, तो 3:, ये तो 6 होगा, इंटू ये 13 होगा, यानी 18:13 मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही आपका सोलूशन है 18 into 30 is 234। तो कह सकते हैं कि टोटल जो है 234 ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियस 0.5 cm, देन 1 cm, देन 1.5 cm, देन 2.0 cm एंड सो ऑन एज शोन इन फिगर। देन व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल। जैसा कि बच्चों देख लो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ पे एक स्पाइरल है जो बना हुआ है जिसके जो सेंटर है ए और बी अल्टरनेट है। जैसे ये सेमी सर्कल है जिसका सेंटर ए है और नीचे से एक सेमी सर्कल होगा जिसका सेंटर बी होगा, तो ऐसे देख रहे हो एक ऊपर सेमी सर्कल है फिर इसका सेंटर ए हो जाएगा फिर नीचे सेमी सर्कल का सेंटर बी हो जाएगा, तो अल्टरनेट सेंटर चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल। तो टोटल लेंथ क्या होगा, ऊपर जो सेमी सर्कल है उसका जो हम क्या लिखेंगे सर्कमफेरेंस, आपको पता है ना अगर किसी सेमी सर्कल का रेडियस आर है तो उसका जो सर्कमफेरेंस होता है सेमी सर्कल का वो पाई इंटू रेडियस होता है। क्या होता है बच्चों, पाई इंटू रेडियस। तो यही यूज करेंगे फॉर्मूला, तो लिखेंगे पहले द टोटल लेंथ या द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13th
कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल, इसको हम यस से डिनोट कर रहे हैं, यस 13 लिख रहे हैं क्योंकि 13 टर्म तक हमको जोड़ना है। ये होगा क्या होगा, पहले देखिए ऊपर वाले सेमी सर्कल का, इसका सर्कमफेरेंस तो पाई इंटू रेडियस, तो क्या रेडियस है पहले सर्किल के लिए 0.5 प्लस सेकेंड सर्किल नीचे वाला, इसका जो सर्कमफेरेंस होगा पाई इंटू 1। नेक्स्ट थर्ड के लिए पाई इंटू 1.5, हर बार 0.5 ऐड होता जाएगा। फिर इसके बाद वाले सर्किल के लिए देखो बेटा, ये पहले सर्किल, ये सेकेंड, फिर ये थर्ड, और ये नीचे नीचे वाले के लिए पाई इंटू 2, ये ऐड करते जाएंगे। ये कहाँ तक ऐड करेंगे, अप टू 13 टर्म, क्यों, क्योंकि टोटल हमको लेंथ लेना है पूरे 13 टर्म तक। कैसे जाना 13 टर्म, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि सच अ व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल, यानी हमारे पास कुल स्पाइरल में 13 सेमी सर्कल बनेंगे, तो सीधे हम लिखेंगे अप टू 13 टर्म, या टर्म लगा दीजिए। अब ध्यान से देखो कि ओवरऑल सब में पाई कॉमन है, तो ये होगा पहला टर्म होगा 0.5, देन 1, देन 1.5, देन 2 प्लस एंड सो ऑन अप टू 13 टर्म। ये ध्यान से देखो, ये एपी सीरीज है जिसका पहला टर्म क्या है 0.5 है, कॉमन डिफरेंस 1 माइनस 0.5 इज 0.5, और टोटल नंबर ऑफ टर्म 13 है। तो हम यूज कर सकते हैं, लिखेंगे पहले इसको, थोड़ा अरेंज करते हैं। हियर एन इज इक्वल टू हियर, यहाँ पे देखो आप फर्स्ट टर्म जो है आपका 0.5 है बच्चों, कॉमन डिफरेंस 1 माइनस 0.5 0.5, और टोटल नंबर ऑफ टर्म 13 है। जैसा कि आपने फार्मूला पढ़ा था एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 2b, तो सीधे इंप्लीमेंट करते हैं एस 13, मैंने 13 टर्म तक से हम करेंगे। पाई अपने जगह पे है, एन बाई टू यानी 13 बाई टू, 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी 0.5 प्लस एन माइनस 1 यानी 13 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस d जो कि है 0.5। इसको और सिंपल करते हैं बच्चों, तो पाई इंटू 13 बाई टू, यहाँ से 1 आएगा 1.0, अब प्लस ये 12 होगा, और 12 इंटू 0.5 ये आएगा 6.0, या इट गिव्स पाई इंटू 13 बाई टू इंटू 7, पाई को रख सकते हैं तो 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल होगा, 2 से 22 कैंसिल होगा, तो 11 इंटू 13 आएगा 143 सेंटीमीटर। क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं बच्चों, सेमी लेंथ निकाल रहे हैं ना, टोटल लेंथ, लेंथ किसमें है यूज हो रहा है, सेंटीमीटर में। ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है 143 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 90 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन देयर टॉप रो। जैसा कि क्वेश्चन में ये कह रहा है बच्चों कि यहाँ पर 200 लॉक्स हैं, लकड़ी की जो बल्ली होती है उसको लॉक करते हैं, तो उसको हमको अरेंज करना है कैसे। सबसे पहले नीचे जो होगा बॉटम में 20 लॉक्स रखेंगे, फिर उसके ऊपर सेकंड रो में हम 19 लॉक्स को रखते हैं, थर्ड रो में 18 लॉक्स को रखते हैं, और एंड सो ऑन ऐसे ही हमको रखते ही जाना है हर, यानी पहले रो में हम 20 लॉक्स रखेंगे, सेकंड रो में 90 लॉक्स रखेंगे, थर्ड रो में 18 लॉक्स रखेंगे, फोर्थ रो में 70 लॉक्स रखेंगे, एंड सो ऑन। तो इस तरह से पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस, तो कुल कितने रो की जरूरत पड़ेगी 200 लॉक्स को रखने में, 200 लॉक्स को रखने में कुल कितने रो की जरूरत पड़ेगी। और सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी लॉक्स आर देयर इन द टॉप रो, और एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सबसे टॉप रो पे कुल कितने लॉक है। जैसे क्वेश्चन के अनुसार आप समझ लो कि जैसे इसका लॉक्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है, सबसे बॉटम पे हमारा 20 लॉक्स है, देन सेकंड रो में हमारा 90 लॉक है, थर्ड रो में हमारा 18 लॉक है, फोर्थ रो में हमारा 70 लॉक है। तो जैसा कि आप देख रहे, अगर इन सबका सम हो रहा है तो इसका सम जो होगा 200 लॉक्स होगा, और ये कहाँ तक जाएगा अप टू एंड टर्म। बेटा ये जो एंड टर्म होगा ना वो नंबर ऑफ रो को डिफाइन करेगा, क्यों, क्योंकि पहले रो में 20 लॉक्स को रखा जा रहा है, दूसरे रो में 90 लॉक्स को रखा जा रहा है, तीसरे रो में 18 लॉक्स को रखा जा रहा है, फोर्थ रो में 70 लॉक्स रखा जा रहा है, और हमको ये नहीं पता है कि कुल कितने लॉक्स तक जाएगा, कुल कितने रो तक जाएगा, लेकिन ये पता है कि टोटल लॉक्स की जो सम होगा वो 200 बराबर होगा।
जैसा कि आप देख रहे हो ये एपी सीरीज है जिसका पहला टर्म है वो 20 है और कॉमन डिफरेंस आपका 90-20 इट गिव्स -1 है। और आपको पता है सम एन टर्म एपी सीरीज का जो फार्मूला होता है वो होता है n/2 × 2a + n-1 × d। इसी फार्मूले का इस्तेमाल किया गया है। देखो n/2 × 2 × 20 + n-1 × -1 यहाँ से होगा 2, यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 400 = n, ये हो जाएगा 40, 2 × 20 = 40, ये -1 × n-1 ब्रैकेट के अंदर ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो होगा -n+1, ब्रैकेट को ओपन करिए तो n × 40 - n+1 इट गिव्स n × 41 - n, इसको और ओपन करेंगे तो 400 = 41 n-n2। अब ध्यान से देखो n में क्वाड्रेटिक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख सकते हैं n² - 41n + 400 = 0। अब 41n जो कि मिडिल टर्म बेटा, इसको स्प्लिट करो तो ये होगा n² - 25n - 16n + 400 = 0। इन दोनों में n कॉमन है, इट गिव्स n(n-25), इन दोनों में 16 कॉमन है तो -16 कॉमन लेते हैं, n-25 = 0। ये सिंपल स्प्लिटिंग मेथड है जो कि आप जानते हो अच्छे से। दिस इंप्लाइज दैट n-25 × n-16 = 0। अगर दो फैक्टर का प्रोडक्ट जीरो हो या तो पहला फैक्टर जीरो होगा या तो सेकंड फैक्टर जीरो होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं n-25 = 0 or n-16 = 0 या n = 25 or n = 16। जैसा कि मैंने पहले बताया था बच्चों, n क्या है, n हमारे नंबर ऑफ रोज हैं, तो हमारा आंसर है द नंबर ऑफ रोज इज आइदर 25 or 16। लेकिन अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं है, या तो हमारा आंसर 25 होगा या तो हमारा आंसर 16 होगा। अभी हम वेरीफाई करते हैं, कैसे देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में एक और पूछ रहा है कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो देखो बच्चों, ये तो हमने पता कर लिया कि रो की कुल संख्या या तो 25 है तो 16 है, तो पहले 25 पे चेक करते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि 25th रो में कुल कितने लॉग्स हैं। तो सबसे पहले हम A25 निकालते हैं, A25 का मतलब ये होता है कि 25वें रो में कुल कितने लॉग्स होंगे। इसका जो फार्मूला होगा, जैसा कि आप पढ़े होंगे a+n = a + n-1 × d। जैसा कि a यहाँ फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म में आपने पढ़ा था कुल कितने लॉग है 20, यहाँ 20 होगा = 20 + 25 - 1 और कॉमन डिफरेंस बच्चों -1 था, याद रखना। ये होगा 20 + 24 × -1, इट गिव्स 20 - 24, इट गिव्स -4। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 25वें रो में कुल लॉग की संख्या -4 है, जो कि क्या है, ये नॉट कंसिडरेबल होगा, मतलब इसको हम मान ही नहीं सकते हैं, निगेटिव नंबर तो संख्या होती नहीं है, अर्थात हम ये कह सकते हैं द नंबर ऑफ रो 25 नहीं है। तो हम पहले अब 16 निकालेंगे, ठीक है, इसलिए अब A16 निकालते हैं। A16 = 20 + 16 - 1 × कॉमन डिफरेंस आपका -1 है, तो यहाँ से होगा 20 + 15 × -1, इट गिव्स 20 - 15 = 5। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर ये हुआ बच्चों, आप लिख लीजिएगा कि द टोटल नंबर ऑफ रो इज 16 एंड देयर आर 5 लॉग्स इन द टॉप रो, ठीक है ना, यही हमारा आंसर है। हमारा आंसर क्या बच्चों, द टोटल नंबर ऑफ रो इज 16 एंड देयर आर 5 लॉग्स इन द टॉप रो, यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। और हमारा जो आंसर जो था 25 रो, वो निगलेक्टेड होगा, वो नॉट पॉसिबल होगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। देर आर 10 पोटैटोज इन ए लाइन। अ कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट, drops it in the bucket, runs back to the pickup of the next potato, runs to the bucket to drop it in and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. Then what is the total distance the competitor has to run? बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है बेटा, इसको छोटे छोटे पार्ट में समझते हैं और इसकी ज्योमेट्री बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कह रहा है कि एक पोटैटो रेस हो रहा है, अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले आप एक बकेट बनाओ, एक बाल्टी बनाओ, ये आपका बकेट है और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद क्या हो रहा है, विच इज 5 मीटर कह रहा है कि प्लेयर एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। यहाँ पे पहला पोटैटो है, फर्स्ट पोटैटो है, जो कि बाल्टी से, जो बकेट से 5 मीटर की दूरी पे है,
ओके यहाँ तक समझ में आ गया। एंड अटर एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन। ऐसा है कि ये जो ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम पोटैटो रखे हुए हैं। ये सेकेंड पोटैटो है, ये थर्ड पोटैटो है, ये फोर्थ पोटैटो है, और ये कह रहा है कि कंसेक्यूटिव पोटैटो के बीच की दूरी जो है 3-3 मीटर का गैप है, 3-3 मीटर का गैप है। कह रहा है 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन, अर्थात दो पोटैटो के बीच की जो दूरी है 3-3 मीटर है। यहाँ तक आपको ज्योमेट्री समझ में आ गई होगी। देयर आर 10 पोटैटो, अर्थात यहाँ ये जो हमारा जो है 10 वाला पोटैटो है, 10वें नंबर वाला पोटैटो है। कर अ कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट। अब एक कंपटीटर जो है बकेट से चलना प्रारंभ करता है, मतलब बकेट लेके चलता है मान लो, तो मतलब बकेट से स्टार्ट, मतलब यहाँ से स्टार्ट करता है ओरिजिन से। तो क्या हो रहा है, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो। तो पहले क्या करेगा, पहले नंबर पे जो पोटैटो है उसको उठाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी तय करेगा 5 मीटर, और फिर वापस आकर के ड्रॉप कर देगा बकेट में। तो इस तरह से 5 मीटर आने में और 5 मीटर जाने में, तो कुल जो डिस्टेंसेस होगा वो 2×5 होगा। इतना समझ लो। फिर क्या कह रहा है कि अ कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो एंड रन्स बैक विद इट। इसका मतलब ये हुआ कि इसका बकेट जहाँ पे है वहीं से चलना प्रारंभ करता है कोई कंपटीटर, और पहले प्लेस पे जो रखा हुआ पोटैटो है उसको उठाता है, यानी 5 मीटर की दूरी तय करता है, और फिर वापस जो है उस पोटैटो को उस बकेट में ड्रॉप कर देता है। तो कुल तय की गई दूरी जो होगी उस कंपटीटर द्वारा वो 2×5 मीटर होगा। फिर क्या हो रहा है, फिर वो सेकेंड टाइम्स क्या करेगा, सेकेंड पोटैटो को ड्रॉप करेगा। ये बताओ फिर, और फिर चूंकि अब कंपटीटर यहाँ पहुँच चुका है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो सेकेंड दूरी तय करेगी या तय करेगा वो 8 होगा, यानी अर्थात नेक्स्ट होगा 5 + 3, 5, मैंने यहाँ से यहाँ तक दूरी 5 + 3 होगा जाने और आने में, फिर वापस आएगा तो 2 टाइम्स कर लेंगे, फिर नेक्स्ट 5 + 3 + 3 तीसरे नंबर के लिए जो डिस्टेंसेस होगा तीसरे पोटैटो को लेने के लिए 5 + 3 + 3, और ये 2 टाइम्स इसलिए करेंगे कि आने और जाने में। ऐसे ही हम ये प्रोसेस चलता जाएगा, और ये प्रोसेस कब तक जाएगा, up to 10 टर्म्स जाएगा, up to 10th टर्म। क्यों बच्चों, क्योंकि 10 पोटैटो है, और ये जो सम होगा इस सम को क्या कहेंगे, कहेंगे द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन। यहाँ लिख देंगे द कंपटीटर हैज टू रन इक्वल टू होगा 2×5 + 2×5 + 3 + 2×5 + 3 + 3 + so on up to 10 terms। इस तरह से बच्चों आप समझ गए होंगे कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी सीरीज है, और यहाँ पे हम एपी सीरीज का फॉर्म लगा सकते हैं। इसको हम यस मान लें, यस फॉर सम 2×5, 2 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आएगा 5, यहाँ से आएगा 5 + 3 = 8, यहाँ से आएगा 5 + 3 + 3 इट मीन्स 8, 9, 10, 11 प्लस एंड सो ऑन, ये अप टू कहाँ तक जाएगा, up to 10th टर्म। टेंथ टर्म ध्यान दो, यहाँ पे ये एपी सीरीज है, यहाँ पे ए बराबर 5 है, डी बराबर 8 - 5 बोलो चाहे 11 - 8 बोलो, जो कि 3 आएगा, और कुल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 10 है। देयर को जो एस होगा, यानी एस का मतलब यहाँ ये है द टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज टू रन। एस इक्वल टू होगा 2×n/2, यहाँ n की जगह पर 10/2 है, × 2a एंड 2×5 + n-1 एंड 10-1, और कॉमन डिफरेंस आपका 3 है। बच्चों आपने पढ़ा था ना जो फार्मूला होता है Sn इक्वल टू होता है, आप पढ़े होंगे n/2×2a + n-1×d, इस तरह से 2 से 2 कैंसिल होगा, ये 10 होगा, 2×5 = 10 होगा, 10 में से एक जाएगा 9, 9×3 = 27, तो यहाँ से आएगा 10×37, इट इज 370 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन, हमारा जो सोल्यूशन आएगा, हम कहेंगे द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन इज 370 मीटर। दिस इज अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन।